कुछ दिन पहले ही मैंने अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन वर्ना के टॉप एंड वेरिएंट की नई स्पाइड इमेजेस और डिटेल्स के बारे में बताया था, और आज फिर से इस वीडियो में मैं आपको नई वर्ना की नाइट स्पाइड इमेजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप वर्ना और बाकी गणों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2022 हुंडई वर्ना की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2022 वर्ना के रियर क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां इसकी टेललाइट्स की वर्किंग क्लोजअप में दिख रही है, जो कि कंफर्म करती है कि नई वर्ना की टेललाइट्स में हमें ऑल न्यू डिजाइन और वर्किंग देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑडी की सेडान्स की टेललाइट्स की वर्किंग से सिमिलर हो सकती हैं। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस वर्ना की साइड प्रोफाइल को क्लोजअप में देख सकते हैं, जो कि दिखने में करंट जनरेशन वर्ना से लंबी लग रही है। और अगर रियलिटी में ऐसा होता है तो फिर हमें इसके रियर सीट्स पर पहले से ज्यादा स्पेस मिल पाएगा, जो कि काफी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। चलिए अब तीसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके फ्रंट क्वार्टर की एक झलक देख सकते हैं, जहां इसकी हेडलैम्प्स की वर्किंग दिख रही थी। इस इमेज को देखने पर यही लगता है कि इसकी हेडलाइट्स काफी लो प्लेस हैं इसके बम्पर में। बाकी इस वेरिएंट में भी ADAS टैग का कैमरा सिस्टम इसकी विंडस्क्रीन में दिया हुआ दिख रहा है। तो ये तो होगी 2022 हुंडई वर्ना की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हुंडई नई वर्ना में हमें पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगी, जिनमें से एक इंजन होगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 115 पीएस की पीक पावर और 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा इंजन होगा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 115 पीएस की पीक पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। और तीसरा इंजन होगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 120 पीएस की पीक पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन इंजन के अलावा माइल्ड हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन हुंडई प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये तो होगी 2022 हुंडई वर्ना के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई वर्ना में हमें फुल एलईडी हेडलैम्प्स विद डुअल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स, एलईडी कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, एलईडी टेल लाइट्स विद एलईडी लाइट बार, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, 16-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10.25-inch टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट फॉर ड्राइवर, लेदरेड सीट्स, लेदरा स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद पैडल शिफ्टर्स, लेदर एप गियर नॉब, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग सॉकेट्स, कूल ग्लव बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड कूलिंग फंक्शन, एयर प्योरीफायर, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर विंडो कर्टन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई वर्ना में हमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ADAS लेवल 1 सेफ्टी फीचर्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2022 हुंडई वर्ना की एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। हुंडई नई वर्ना को 9 लाख से 18 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2022 एंड में या फिर Q1 2023 में है, और ये लॉन्च होने के बाद होंडा सिटी, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और नेक्स्ट जनरेशन
फॉक्सवैगन वर्टस के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2022 हुंडई वर्ना से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।